तो जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों और भाइयों, यहाँ पे जी मैं ऊपर तकरीबन 2 बजे का टाइम है, भाई साहब मुझे ऊपर लेकर आए और कहते हैं कि जी आए ज़रा मैं मुर्गी को कुड़क करने लगाऊँ, तो आप देखिए कि मुर्गियों को अंडे को कैसे बिठाते हैं। कुड़क करने का मतलब तो पता ही होगा, मतलब मुर्गियों को अंडों को बिठाना। तो चले सुनते हैं उनकी ज़ुबान कैसे करते हैं वो। ओके, इसमें अंडे नहीं टूटते? नहीं, इससे एक तो हीट रहेगी और दूसरा अंडे भी नहीं टूटेंगे। जब मुर्गी दाना वगैरह खा के अंदर आएगी तो अंडे वगैरह नहीं टूटेंगे। अच्छा, तो ये किसके अंडे, इसके अपने हैं या दूसरी मुर्गियों के? देसी फर्टाइल एग होने चाहिए, किसी के भी रख सकते हैं, किसी भी मुर्गी। अब ये देखना हमने कि एग हमारा सही है कि नहीं, उसमें कोई ब्लड वगैरह तो नहीं है। वो हम ऐसे चेक करते हैं मोबाइल की मदद से, रोशनी के साथ देखें। ये अंडा बिल्कुल ठीक है, कोई ब्लड वगैरह नहीं बना हुआ। मैं अपना लाइट बंद करती हूँ ताकि नजर आए। उसे उसमें रखते जाओ ना। अब हम ये एग्स, मुर्गी हमारी बड़ी है और तो ज़्यादा अंडे ले ले अपने नीचे। बिस्मिल्लाह पढ़ के बाकी सारे चेक कर ली। सारे अंडे नहीं, वो ठीक ही होंगे। सारे अंडे वगैरह जो हैं हम ये रख लेंगे। मुझे भी दिखाओ ना उस पर रख के। ठीक है, ब्लड वगैरह नहीं बना हुआ। ओके, जब ब्लड बना हो वो नहीं ठीक होता। वो ऑलरेडी खराब खराब हो जाता, जैसे गर्मियों में हो जाता है, अंदर खुद ही ब्लड बन जाता है, वो चीज। जी जी, मुर्गी तो बड़ी खुश होगी इतने अंडे लेके। इतने बच्चे निकलेंगे, मेरी इतनी नस्ल बढ़ेगी। 19 अंडे हैं। चलो ठीक है, चलो अब हम मुर्गी को बिठाते हैं जी। तो ये जी हमारी अंडे, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ओके, इसने वापस अपने फूल खुड्डे की तरफ जाना है। अरे वाह, इतने सारे अंडे, ये तो मेरी नस्ल चल जाएगी। ओ माय गॉड, मेरे तो भाग खुल गए, मेरा तो मियां भाग बाहर हो जाएगा। ओ माय गॉड। अरे देख, तुम्हारे लिए अंडे लेकर आए हैं, लेने हैं तुमने? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिठाओ मुझे इसके ऊपर, मुझे तो अभी बैठना नहीं आता। बिठाओ जाना इसको, बिठाओ जाना। बाजी साइड पे हो जाए प्लीज। अरे बैठ भी जाओ अब शोही। आप होगी शोही? अच्छा जाए बैठे बाजी। ओके, मुझे हिसाब किताब तो लगाने दे। लगा लो लगा लो। चूचे मार रही है वो तो। हम दूसरी मुर्गी को करने लगे, वो भी कुड़क के आई हुई है, उसके लिए तैयारी करने लगे हैं। आधे अंडे अब इस पर शिफ्ट करेंगे क्योंकि लग रहा है कि उसके लिए अंडे बहुत ज़्यादा है। वैसे भी पहली दफ़ा कुड़क हो रही है तो इस वजह से। ये इस मुर्गे की अब नस्ल है जो हम आगे लेने लगे हैं, ये थाईलैंड का मुर्गा है। हाँ पीछे से दिखाती है, ये थाईलैंड का मुर्गा है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अभी तो ये नया नया जवान हुआ है, अभी फुल जवान नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा होना है अभी इसमें। तो इसके हम बच्चे लेंगे अब, ये इसके अंडे जो है, इसकी इसकी फीमेल के नीचे इसके अंडे रखने लगे। तो खाते हैं आप।
भी अब इसकी टोकरी तैयार हो रही है। इतनी बदतमीज आई है, अब तो हाथ भी नहीं लगाने दे। मारेगी पकड़े हम तो। हाँ वो कहाँ टाइम ले रही है, वो तो फौरन बैठ गई। हेलो, वो तो शायद ढूंढ रही थी मौका। ये पहले भी शायद हुई भी है ना, इसको पता है। वो देख साथ ही सेट करने शुरू हो गए अंडे। मतलब खुद ही अंदर ले लेगी अपने नीचे ना अंडे। सेट हो जाएगी फिर आप लोगों को सुबह दिखाऊंगी इनका आलम। और ये देखो कितना खुश हो रहा है कि मेरी नस्ल बढ़ने लगी है। हाँ पप्पू क्या हाल है? मैं ठीक हूँ बाजी, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। इतने डरते क्यों तुम डरपोक? डरता कहूँ, आया जरा मेरे से फाइट करें, मैं पागल हूँ फाइट करूँ। हेलो गाइस, कल रात को आपको दिखाया था ना कि हमने मुर्गी को कुड़क किया था। ये देखिए बैठी हुई है, अंडों में बैठी हुई है। और अब इसने खुद ही अंडे एडजस्ट कर लिए अपने नीचे। एक ये है और दूसरी दूसरी ये भी। ये भी मैडम अपने नीचे खुद ही अंडे एडजस्ट करके बैठ गई हैं। मेरे करीब ना आओ, मारूंगी। मारती हैं, ये इनका ये साइन होता है कि तुम्हें मारेंगे, पीछे हो जाओ। तो गाइस इसी के साथ आज की ब्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ इकरा राजपूत व्लॉग्स। बाय बाय।